नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2021 के फेज 2 का तीसरा मुकाबला पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच खेला जाना है, यानी कि दो खतरनाक टीमें एक दूसरे के आमने सामने होने जा रही है। जहां एक तरफ कप्तानी करते हुए नजर आएंगे संजू सैमसन, तो दूसरी तरफ होंगे केएल राहुल। यानी कि केएल राहुल और संजू सैमसन एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दोनों टीमों की तरफ से कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो हमें मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे, यानी कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 हम जानेंगे। इसके अलावा इस मुकाबले से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको देंगे और बताएंगे कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। तो ये सब जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को पूरा आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते कि आपकी फेवरेट टीम शानदार परफॉर्मेंस करे, तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, फिलहाल पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि दोनों टीमें अब तक अपने 7 व 8 मुकाबले खेल चुकी है। राजस्थान रॉयल्स ने 7 मुकाबले खेले हैं तो पंजाब किंग्स 8 मुकाबले खेल चुकी है। इनमें से पंजाब किंग्स को सिर्फ 3 मुकाबलों में जीत मिली है, तो राजस्थान रॉयल्स को भी अब तक 7 मुकाबलों में सिर्फ 3 ही मुकाबलों में जीत मिली है। यानी कि दोनों टीमें इस समय 6-6 पॉइंट के साथ नंबर 5 और 6 पर मौजूद हैं। पंजाब किंग्स की टीम 8 मुकाबलों के बाद नंबर 6 पर है, तो वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की टीम 7 मुकाबलों के बाद नंबर 5 पर है। अब प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इन्हें अपने बचे हुए मुकाबलों में से 5-5 मुकाबले जीतने हैं, यानी कि पंजाब किंग्स को 6 में से 5 मुकाबले जीतने हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स की टीम को 7 में से 5 मुकाबले जीतने हैं। यानी कि ज्यादातर मुकाबले अब इनके लिए नॉकआउट ही बचे हुए हैं। वहीं पर दोस्तों, दोनों टीमों की तरफ से अब तक बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाजों की बात करें तो पंजाब किंग्स की तरफ से जहां सबसे ज्यादा रन केएल राहुल ने बनाए, जिन्होंने 7 मुकाबलों में 331 रन बनाए हैं, तो वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से संजू सैमसन ने अब तक 7 मुकाबलों में 277 रन बनाए हैं। यानी कि दोनों टीमों के कप्तान काफी शानदार फॉर्म में हैं और फिलहाल बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें पंजाब किंग्स के दूसरे खिलाड़ी की, तो मयंक अग्रवाल 260 और तीसरे नंबर पर मौजूद है इस समय क्रिस गेल 178 रनों के साथ, जबकि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यहां पर कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि दूसरे नंबर पर इनके जोस बटलर है जो अब खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो वहीं पर तीसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से शिवम दुबे, जिन्होंने 145 रन बनाए हैं। वहीं पर इसके बाद दोनों टीमों के गेंदबाजों की बात करें तो यहां पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट क्रिस मॉरिस ने लिए हैं, जिन्होंने अब तक 14 विकेट चटकाए हैं। तो वहीं पर इसके बाद बात करते हैं पंजाब किंग्स की तरफ से, मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 8 विकेट लिए हैं। इसके अलावा भी अर्शदीप सिंह ने 7 और वहीं पर बात करें हरप्रीत बरार की, तो इन्होंने 4 विकेट लिए हैं। तो साथ ही रवि बिश्नोई भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बड़ा झटका जरूर हो सकता है। यहाँ पर कई खिलाड़ी इनके इस समय मौजूद नहीं है जो शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं, खास करके यहाँ पर जोफ्रा आर्चर, जो कि टीम के महत्वपूर्ण गेंदबाज साबित हो सकते थे। लेकिन इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर जयदेव नाटकट ने इस टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी की और 4 विकेट चटकाए हैं। तो वहीं पर चेतन सकारिया ने 7। वहीं पर चले दोस्तों, अब हम जानते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के आखिरकार कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो दोनों टीमों की तरफ से हमें खेलते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो राजस्थान रॉयल्स को एक बड़ा झटका लगा जोस बटलर के ना आने से, लेकिन उनकी जगह पर लियाम लिविंगस्टोन हमें ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, तो उनके साथ होंगे यशस्वी जायसवाल। इसके बाद नंबर 3 पर संजू सैमसन हमें दिखने वाले हैं, जो कि इस टीम के कैप्टन है। तो वहीं पर नंबर 4 पर रियान पराग हमें खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं पर नंबर 5 पर डेविड मिलर खेलते हुए दिखेंगे, तो नंबर 6 पर राहुल तेवतिया हमें खेलते हुए दिखने वाले हैं। इसके बाद नंबर 7 पर शिवम दुबे, तो नंबर 8 पर क्रिस मॉरिस नजर आएंगे। वहीं पर नंबर 9 पर चेतन सकारिया, नंबर 10 पर कार्तिक त्यागी और नंबर 11 पर तबरेज शम्सी नजर आएंगे, जो कि दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज है। यानी कि राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी और गेंदबाजी लाइनअप देखी जाए तो फिलहाल काफी मजबूत नजर आ रही है, और इस आईपीएल के फेज 2 में यह टीम कमाल करती हुई नजर आ सकती है अपने नए रोल में। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब किंग्स की टीम की प्लेइंग 11 की। तो पंजाब किंग्स की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, दोनों टीम के लिए काफी बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। तो वहीं पर इसके बाद हम नंबर 3 की बात करते हैं, यहां पर टीम के आक्रामक बल्लेबाज क्रिस गेल हमें दिखने वाले हैं। तो वहीं पर नंबर 4 पर एडम मार्करम को यहां पर मौका मिलेगा, जो कि बेहतरीन गेंदबाजी भी कर सकते हैं और साथ ही साथ यहां पर बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं। तो इसके बाद नंबर 5 पर दीपक हुड्डा उतरेंगे, तो नंबर 6 पर शाहरुख खान उतरने वाले हैं। इसके बाद नंबर 7 पर उतरेंगे फेबियन एलन, तो नंबर 8 पर हरप्रीत बरार उतरने वाले हैं।
नंबर 9 पर नेथन इलिस उतरेंगे तो नंबर 10 पर रवि बिश्नोई और नंबर 11 पर मोहम्मद शमी उतरने वाले हैं। शमी इस टीम के सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज रहने वाले हैं, यानी कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देखी जाए तो फिलहाल काफी शानदार प्लेइंग 11 नजर आ रही है। दोनों टीमों में से यहाँ पर किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा किंग्स 11 पंजाब का पलड़ा भारी हो सकता है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम का पलड़ा है मजबूत, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।